जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपके लिए AAI एयरफोर्स नेवी इत्यादि एग्जाम में जिनमें फिजिक्स आती है उनके लिए फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है, जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण। पहले मैं आपको थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण और ये मैंने गुरुत्व लिखा हुआ है, इन दोनों में थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता दूँ। गुरुत्व एवं गुरुत्वाकर्षण में अंतर क्या है, देखिए हमने न्यूटन के नियम में मैंने अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया था मूल बल के बारे में, वहाँ था एक न्यूटन का आकर्षण नियम। मैंने बताया था कि दुनिया में जितने भी द्रव्यमान है, पिंड है, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं किसी ना किसी बल के साथ। दुनिया में जितने भी पिंड है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं हूँ, आप हो, मोबाइल है, सब एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, पर यह बात अलग है, बल हमें महसूस नहीं होता। तो दुनिया में जितने भी पिंड है एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। अगर हम उन पिंड में से एक पिंड को हटा दें और उसकी जगह अर्थ रख दें, तो अर्थ का दूसरे पिंड पर जो आकर्षण बल होगा उसे ही क्या बोलेंगे, गुरुत्व। यानी कि मैं सीधे शब्दों में कहूं, अगर मैं दो पिंड लेता हूं, एक ये रहा एक ये रहा, इसका द्रव्यमान m1 इसका द्रव्यमान m2, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर मैं दोनों बल में से एक, दोनों पिंडों में से एक पिंड क्या ले लूं, पृथ्वी, और दूसरा कोई भी द्रव्यमान, पृथ्वी का कैपिटल एम इसका स्मॉल एम, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा आकर्षण का, वो इन दोनों के बीच आकर्षण का बल क्या कहलाएगा, गुरुत्व। तो अब सीधी सी बात है, पेपर में कई बार पूछा गया है गुरुत्व क्या है, तो हमने गुरुत्व सुना ही नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण तो है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और उनमें से यदि हम एक पिंड को हटाकर उसकी जगह अर्थ यानी कि पृथ्वी रख दे, तो पृथ्वी उस पिंड पर जो बल लगाएगी वो बल ही क्या कहलाएगा, गुरुत्व। तो आप गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में अंतर समझ गए होंगे। दोस्तों, अभी मैंने आपको गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, अब बात करता हूँ गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप जानते होंगे, गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करते हैं स्मॉल जी से, और सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर हम इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं। किसी किसी बुक में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये होता क्या है, कहाँ से आता है, चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। अभी मैंने बताया गुरुत्व क्या होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने कितना माना, m, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या मानी मैंने, कैपिटल R। मान लो कोई पिंड है जो पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ, स्मॉल m। न्यूटन के नियम से ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, कोई आकर्षण बल लगाएंगे। न्यूटन का नियम क्या था आपको याद होगा, न्यूटन के नियम से क्या था, न्यूटन का नियम मैंने पहली वीडियो में बताया था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल्स टू जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m, अपॉन बीच की दूरी कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमने पढ़ा है F बराबर m में, m a की जगह यहां क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, परंतु F बराबर m a, a की जगह पे क्या लगता है यहां, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे किससे निरूपित करते हैं, g से। तो मैं F की जगह पर mg रखूंगा, तो mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मैंने रख दिया। अब आप देखोगे ये भी स्मॉल है मैं, ये भी स्मॉल है मैं, तो ये कट सकता है, तो जी बराबर जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण का मान आ चुका है। अब देखिए, हम सूत्र से, इस सूत्र के ऊपर कुछ नहीं आता, फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी की तल से नीचे जाने पर। अभी हम पृथ्वी तल पर हैं, अभी हम इससे ऊपर जाने पर भी निकालेंगे और इससे नीचे जाने पर भी निकालेंगे, और मैं अगर अभी निकालने लग गया तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इन्हें आपको कल
कल की वीडियो में आपको पृथ्वी तल से ऊपर जाने और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर दोनों कराऊंगा। हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखें। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी याद रखना है बड़े ध्यान के साथ। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे अभी तो आप कहते इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हम निकालेंगे ना पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, ये कई बार एयरफोर्स में भी आया हुआ है, एक्स ग्रुप में एनडीए में भी आया हुआ है। तो ये पूछता है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा या बढ़ेगा, सेम पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटेगा या बढ़ेगा, आपका ध्रुवों पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, अगर पृथ्वी तेज घूमना चालू कर दे तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। आपने देखे भी होंगे अगर एक आध बच्चे ने कभी एग्जाम दिया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये मैं आपको कल कराऊंगा। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है कैपलर के नियम, शायद आपने सुने भी होंगे कुछ बच्चों ने। कैपलर ने कितने नियम दिए थे? केवल 3 नियम दिए थे। वे किस वजह से दिए थे? हमारा पहले मानना जाता था कि हमारा जो पृथ्वी है वो रुकी हुई है और सूर्य यानी कि सन उनके चक्कर लगा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारी धारणाएं टूटी हमें पता चला कि सन रुका हुआ है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या फिर कुछ समय बाद ज्ञात हुआ सबके सब ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी से संबंध में हमारे कैपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नियम दिए। उन्होंने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, जिन्हें क्या बोलते हैं? कैपलर के ग्रहीय नियम, कैपलर के ग्रह के गति के नियम। तो बहुत सारे नाम है इन्हें, आपको बस कैपलर के नियम याद रखने हैं। पहला नियम था कक्षा का नियम, दूसरा था क्षेत्रफलों का नियम, तीसरा था परिक्रमण काल का नियम। ये नियम उन्होंने डाउट क्लियर करने के लिए निकाले थे। जैसे पहले हमने बताया कि सन था, उसके चारों तरफ प्लैनेट यानी के ग्रह घूम रहे हैं, तो साइंटिस्टों ने, दूसरे साइंटिस्ट थे उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि घूमते रहे हैं लेकिन कैसे घूम रहे हैं। उसके बारे में बताने के लिए कैपलर ने कौन सा दिया? कक्षा का नियम। देखिए नियम क्या था, इन्होंने बताया कि जितने भी ग्रह हैं सब ग्रह सूर्य के, ये मान लो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, यानी कि अंडाकार कक्षा होती है ना, अंडे की शेप, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। यानी कि मान लो ये मेरी पृथ्वी है अर्थ, ये इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमेगी, और जो सन है ना वो किसी एक फोकस पे स्थित होगा, या तो इस कोने पर या इस कोने पर। सन बीचों बीच उपस्थित नहीं होता, सन किसी एक कोने पर। कई बार पूछा गया है भी ये क्वेश्चन भी कि जो हमारे कैपलर के नियम है उसमें क्या बताया गया था कि सूर्य कहाँ उपस्थित होता है? सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है, दीर्घवृत्त की फोकस पर, फोकस पर। यानी कि पृथ्वी जो घूमेगी इस तरीके से घूमेगी, इसके चारों तरफ और ग्रह घूमेंगे, ये गोल नहीं घूमती, ये चकोर नहीं घूमती। किस तरीके घूमते हैं? अंडे की शेप में, अंडाकार बोल दूं या दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में बोल दूं। तो पहला नियम क्या है? इस नियम के अनुसार कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर उपस्थित होता है। चलिए आइए दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम पहले से ही संबंधित है। देखिए क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि हमारा सन एक फोकस पर उपस्थित होता है और उपग्रह उसके क्या लगाता है? सॉरी चक्कर लगाता है चारों तरफ, ऐसे घूमता है। ठीक, तो क्षेत्रफल का नियम कहता है जब ग्रह चक्कर लगा रहा है, मान लो हमने एक स्थिति यहाँ से यहाँ पहुँच गया चक्कर लगा के, फिर वो घूमता, मान लो यहाँ से एक हमने यहाँ की स्थिति ले ली, हमने समय बराबर लिया, यहाँ से यहाँ तक भी हमने टी समय लिया, यहाँ से यहाँ तक भी हमने टी समय लिया, हमने इसे यहाँ से मिला दिया। चलो मैं ये अक्ष वाली लाइन साफ कर रहा हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो इसका भी कुछ क्षेत्रफल होगा और इस हिस्से का भी कुछ क्षेत्रफल होगा। तो द्वितीय नियम कहता है, क्षेत्रफल का नियम है तो हमने इस वजह से क्षेत्रफल लिए, द्वितीय नियम कहता है अगर समान समय है ना तो इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। तो हमारे कैपलर के द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाता है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल
कवर करता है, यानी कि A1 बराबर A2। या अब आप देखो, यहाँ तो थोड़ी सी दूरी चला है, यहाँ ज़्यादा दूरी चला है, तो इस नियम से एक निष्कर्ष भी निकल के आता है कि सूर्य से जो ग्रह दूर होता है उसकी गति मंद यानी कि न्यूनतम होती है, और जो सूर्य के पास होता है जब उसकी गति में वृद्धि हो जाती है और गति बढ़ती चली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास दो ग्रह हैं, एक सूर्य के निकट है, एक सूर्य से दूर है, तो कौन से ग्रह की गति तेज होगी? तो ग्रह की गति कौन से की तेज होगी? जो सूर्य के निकट है। फिर आते हैं नेक्स्ट नियम पे। तो उन्होंने बताया, यो भी इसी चित्र से संबंधित है, उन्होंने बताया मान लो कि कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहा है, तो वो घूमना चक्कर चालू करेगा, तो मान लो उसे घूमने में कितना समय लगा? टी। और घूमने में उसकी औसत, हमने औसत त्रिज्या निकाल ली, औसत त्रिज्या कितनी थी? आर। औसत त्रिज्या कितनी थी? आर। तो हमारे कैपलर ने बताया कि समय अंतराल का वर्ग औसत त्रिज्या की तृतीय घात के समानुपाती होता है। आपको इसका निगमन भी करके दिखा दूंगा, इनके निगमन की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके निगमन में एक फॉर्मूला सूत्र निकल कर आता है जिसकी हमें आंकिक पीर्सन में जरूरत पड़ेगी। मैं आपको आंकिक पीर्सन भी कराने वाला हूं, कभी आप सोचो कि बस थ्योरी कराऊंगा, मैं आपका सिलेबस पूरा कराने का वादा किया है, तो मैं आपका सिलेबस पूरा ही कराऊंगा। अब देखिए, ये हमारे तीन नियम थे और दो हमने टॉपिक यहाँ पढ़े थे और तीसरा टॉपिक ये है, तो हमने आज छह टॉपिक पढ़े। मैं आपको छह टॉपिक रिकॉल करा रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व, यानी कि दो द्रव्यमान है उनके बीच जो आकर्षण होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण, और मैं एक पिंड हटाऊं और उसकी जगह अर्थ रख दूं, तो अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी जब किसी पिंड पे बल लगाएगी वो बल क्या होगा? गुरुत्व। क्या होगा? गुरुत्व। फिर हमने पढ़ा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप जानते हो, ये जी होता है, इसका मैंने आपको पृथ्वी की सतह पे फॉर्मूला सूत्र निगमन करा के दिखाया। इस सूत्र की हमें जरूरत पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पड़ेगी। फिर इसके बाद हमने पढ़े कैपलर के नियम। कैपलर के तीन नियम थे, कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और समय अंतराल का नियम। कक्षा का नियम कहता है कोई भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा। क्षेत्रफल का नियम कहता है समान समय में समान क्षेत्रफल। परिक्रमण काल का नियम कहता है कि जो भी घूमने में समय लिया उसका वर्ग औसत त्रिज्या की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं कल क्लास लूंगा आपकी, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।